नमस्कार, मैं हूं सबत और आज आपका स्वागत है गार्डनिंग ऑन टिप्स में। आज हमारे साथ कुछ और नए मेहमान जुड़े हैं। आज मेरे साथ है मेरी दीदी, जो कि आज आपको रिपोर्टिंग के बारे में बहुत विस्तार से बताने वाली है। दर्शकों की लगातार डिमांड आ रही थी कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और आज हम लेके आ रहे हैं कैना का पौधा। उसमें कई शूट निकल आए तो हम लोग को क्या करना चाहिए। ये है हमारे कैना का प्लांट, और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे शूट्स निकल आए हैं। जब हमने इसे लगाया था तब ये केवल एक ही पौधा था, अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पौधे हो गए हैं। जरूरत क्यों पड़ती है रिपोर्टिंग करने की? क्योंकि अगर पौधे इतने सारे हो जाएंगे एक ही गमले में तो ये खाद सफिशिएंट नहीं होगी उनके लिए। पौधे में जो फ्लावर आता है उसकी क्वालिटी में असर आ जाएगा, फूल कम आएगा, और पौधा हेल्दी कैसे रह सकता है। आप देख सकते हैं पत्ते जो है उसके पीले पड़ने लगे हैं। तो चलिए देखो, हमने इसे गमले से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा जड़ें बढ़ गई थी। क्यों हमें इतनी जरूरत लगी इसको अलग करने की? अब हम एक एक शूट को अलग करने की कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि इसकी जड़ें कम से कम टूटे, कम से कम डैमेज हो। आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने इनको अलग अलग कर लिया है। देखिए, ये सबसे हमारा पुराना पौधा रहा है जिसके ये सब शूट निकले हुए हैं, और इसी में से सब बढ़ते चले गए और ये बढ़ते चले गए। अब इनमें से जो आपको सबसे हेल्दी लगे, जो आपको लगे आपको पौधा अभी रखना है, गमले में लगाना है, उसे आप चूज कर लीजिए। जिसकी जड़ थोड़ी अच्छी हो, मजबूत हो, उसे आप रख लीजिए। गमले में हम लोग किपली रखकर खाद डालना शुरू करेंगे। आप चाहे तो इस खाद को 1-2 दिन के लिए धूप भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं लग रही है, कि क्योंकि इसमें कोई कीड़े नहीं दिख रहे हैं, हमें साफ है ये खाद, तो हम इसको भरना शुरू करेंगे। डायरेक्ट भरते पहली लेयर जो रहेगी हमारी वो उसी खाद की हम लोग डालेंगे। उसके बाद हमारे पास है ये नील गाय के गोबर की खाद। रूरल एरियाज में नील गाय आज भी दिख जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं। हमें ये खाद मिल गई तो हमने कहा चलो इस बार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको डाल दें। डायरेक्ट हमने नीचे सबसे नीचे गोबर की खाद नहीं इस्तेमाल की है, क्योंकि जब पानी डलेगा, अगर एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो गमले से नीचे निकल आता है। तो पहली लेयर हमने उसी खाद की रखी। हम पौधा लगाते समय ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट खाद, डायरेक्ट कोई भी खाद हमारे पौधे की जड़ से टच ना हो, क्योंकि वह उसकी जड़ को जला सकता है, डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, और जो भी हमारी खाद रहेगी अब हम किनारे से डालेंगे। बीच का हिस्सा जो है हमारे वो पुरानी खाद का ही रहेगा। किनारे की तरफ हम अपने कंडे वाली खाद, क्योंकि बहुत तेज होती है, इससे पौधा जल सकता है, जल सकता है, मर भी सकता है। फिर हम इसे लेंगे यूं, पूरी तरह से इसको कवर करते चलेंगे पौधा रखने से पहले। अब हम अपने पौधे को इस तरह देखेंगे, सेंटर में सेट करेंगे, फिर हम अपनी वही खाद फिर से डालेंगे, ताकि पौधे को उसका जो पहले का एनवायरनमेंट था, जो उसे पहले जो खाद मिल रही थी, जिस माहौल का वो आदि था, उसे फिर से वही माहौल मिले। ये देखिए, हम इसमें कुछ और खादों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे पास आज जो है, हमने इसे पहले भी एपिसोड में बताया, ये है दाने वाली खाद, जो आपके पौधे की ग्रोथ को और ज्यादा तेजी से बढ़ा देती है। इसे हम चारों तरफ इसकी जो है स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा थोड़ा मिट्टी में, ताकि इसकी ग्रोथ को और अच्छे से बढ़ाएगी। अब हमारे पास नगर निगम द्वारा ये जैविक खाद जो हमें मिली है, इसे भी हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं। ये देखिए, चारों तरफ ऐसे आप डालते जाइए। बस ध्यान देने वाली बात यही है कि कोई भी खाद जो है वो डायरेक्ट पौधे के किसी भी भाग से टच में नहीं होनी चाहिए, अलग हटा के आप डालिए खाद। जब आप पानी डालेंगे तो अपने आप ही खाद का जो अर्क है वो इसको मिलता रहेगा, तो डायरेक्ट पौधे से टच करते हुए खाद को डालने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास ये है नीम की जैविक खाद,
इसे भी हम चारों तरफ सेम तरीके से डाल लेंगे। इससे क्या है कि आपके पौधे में कीड़े नहीं लगेंगे। गो। ये देखिए फाइनली हमने इसे रिपॉट कर लिया है कैना लिली को, आप देख सकते हैं इसे। ठीक इसी तरह से आप इस स्नेक प्लांट को भी रिपॉट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कैसे हम इसे रिपॉटिंग करें, गमले में कैसे इसे फिर से हम दोबारा लगाएं ताकि इसकी ग्रोथ को हम फिर से और ज्यादा स्टिमुलेट कर सकें, उसे और बढ़ा सकें उसकी ग्रोथ को। मुझे उम्मीद है कि आज आपको हमारे टिप्स और रिपॉटिंग का अंदाज पसंद आया होगा। और आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी हमारी और आपको नए टिप्स हम अगले एपिसोड में फिर से देते रहेंगे। तो तब तक लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंचे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट भी करिए।